Hello students, welcome to online class. This is second year. Students, हम लोग objective type questions जो है discuss कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अपना जो प्रश्नावली topic है उस प्रश्नावली topic से संबंधित कुछ objective type questions जो है उनके बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसे ग्राफ के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजा जाता है और उत्तरदाता उसे पुनः भरकर अध्ययनकर्ता के पास जो है जवाबी लिफाफे के साथ वापस लौटाता है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया था प्रश्नावली का प्रयोग जो है वो हमेशा शिक्षित सूचनादाताओं के लिए किया जाता है और शिक्षित सूचनादाता के प्रयोग करने के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली जो है वो प्राथमिक सूचना संकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। क्या बताया था? प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि है स्टूडेंट्स? अप्रत्यक्ष विधि है। सूचनाएं कौन सी संकलित की जाती है? प्राथमिक सूचनाएं। प्राथमिक सूचनाएं मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, जिन्हें अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर संकलित करने का प्रयास करता है, उसे कौन सी सूचनाएं बोलते हैं? सूचना। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स प्रश्नावली से संबंधित उसका डिस्कशन करेंगे। जब अध्ययनकर्ता जो है उत्तरदाता के पास प्रश्नावली भेजता है तो उसके साथ वह एक पत्र भी भेजता है। क्या भेजता है? प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है और उस पत्र को जो है क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सहगामी पत्र। कौन सा पत्र कहा जाता है? सहगामी पत्र। कौन सा पत्र कहेंगे? सहगामी पत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सहगामी पत्र क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा कि सहगामी पत्र वह पत्र है जो प्रश्नावली के साथ अध्ययनकर्ता द्वारा उत्तरदाता के पास भेजा जाता है, उसे कहा जाता है सहगामी पत्र। उस सहगामी पत्र के अंतर्गत क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स? उस सहगामी पत्र के अंतर्गत लिखा होता है एक तो उस प्रश्नावली को शीघ्र भरकर भेजने की जो रिक्वेस्ट होती है, प्रार्थना की जाती है उत्तरदाता को कि जो प्रश्नावली आपको भेजी गई है उसको प्लीज 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 शीघ्र भरकर भेजिए। साथ ही साथ उस सहगामी पत्र के अंतर्गत जो है जो अध्ययनकर्ता है वो अध्ययनकर्ता अपने अध्ययन का उद्देश्य जो है वो उद्देश्य स्पष्ट करता है और ये बताता है कि मेरे द्वारा ये जो अध्ययन है वो किस कारण से किया जा रहा है, मेरा उद्देश्य ये है अध्ययन करने का। साथ ही साथ जो उत्तरदाता होता है उस उत्तरदाता को ये भी विश्वास दिया जाता है, दिलाया जाता है कि यदि आपके द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही है यानी प्रश्नावली में उत्तरदाता के द्वारा जो सूचनाएं भरकर भेजी जा रही है उन सूचनाओं को किसी भी तरह से किसी को बताया नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो सूचनाएं दी जा रही है उनको क्या किया जाएगा? गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई सहगामी पत्र। सहगामी पत्र प्रश्नावली के साथ भेजा जाने वाला पत्र जिसके अंतर्गत प्रश्नावली को भरने की रिक्वेस्ट, साथ ही साथ जो अध्ययन का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य का स्पष्टीकरण जो है वो किया जाता है। एक दूसरा पत्र जो आता है स्टूडेंट्स वो होता है अनुगामी पत्र। कौन सा पत्र होता है? अनुगामी पत्र। सहगामी का मतलब क्या होता है? साथ में जाने वाला। लेकिन अनुगामी का मतलब क्या होता है?
पीछे भेजा जाने वाला, यानी बाद में जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, अनुगामी पत्र कहा जाता है। अब ये अनुगामी पत्र जो है वो क्यों भेजा जाता है, क्या कारण है कि अनुगामी पत्र भेजा जाता है, इसका मुख्य कारण जो है स्टूडेंट्स वो यह है कि जब प्रश्नावली जो है लगभग 15 दिनों तक उत्तरदाता के द्वारा भरकर नहीं भेजी जाएगी, कितने दिनों तक, लगभग 15 डेज, यानी 15 दिनों तक जब प्रश्नावली जो है उत्तरदाता के द्वारा भरकर नहीं भेजी जाती है तो अध्ययनकर्ता जो होता है उत्तरदाता को क्या भेजता है स्टूडेंट्स, अनुगामी पत्र भेजता है। उस अनुगामी पत्र के अंतर्गत क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है कि प्रश्नावली को शीघ्र भरकर लौटाया जाए, क्या कारण है जिसकी वजह से प्रश्नावली भरकर नहीं लौटाई गई है, तो उस कारण को जानने के साथ साथ अध्ययनकर्ता जो होता है वो एक कार्य और करता है, क्या करता है, उस अनुगामी पत्र के साथ साथ एक प्रश्नावली और भेजता है, ताकि बाई चांस कभी ऐसा होता है कि प्रश्नावली की खो जाने की वजह से अध्ययनकर्ता उत्तरदाता जो है प्रश्नावली को भरकर नहीं लौटा पाता है, इसीलिए अध्ययनकर्ता जो है उस दूसरी जो प्रश्न दूसरा जो पत्र भेजा जाता है कौन सा पत्र, अनुगामी पत्र जो भेजा जाता है उस अनुगामी पत्र के साथ साथ अध्ययनकर्ता एक प्रश्नावली जो है उत्तरदाता के पास और भेजता है। फिर आफ्टर 7 डेज यानी 7 दिन के पश्चात और वेट करता है कि 7 दिन के अंदर अंदर प्रश्नावली जो है वापस लौट कर आ जाए, लेकिन यदि फिर भी ऐसा होता है कि अनुगामी पत्र भेजे जाने के पश्चात और उसके साथ एक प्रश्नावली और भेजे जाने के बाद यदि प्रश्नावली लौट कर नहीं आती है तो फिर अध्ययनकर्ता को उस उत्तरदाता का नाम जो है उस सूची में, जो अध्ययनकर्ता की सूची होती है उत्तरदाताओं की, उस सूची में से उनका नाम हटा दिया जाना चाहिए। इसका भी क्या कारण है कि उस उत्तरदाता का नाम हटा दिया जाना चाहिए, इसका मुख्य कारण यह है स्टूडेंट्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हम प्रश्नावली भेजते हैं और जिस उत्तरदाता के पास जो प्रश्नावली भेजी जाती है हो सकता है वो वहाँ से किसी और स्थान पर रहने के लिए चला गया हो, उसने अपना आवास या मकान जो है वो बदल लिया हो, इस वजह से क्या होता है कभी कभी प्रश्नावली जो है दोबारा भेजी जाने की बात भी क्या होता है लौट कर नहीं आती है। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स हमारी अनुगामी और सहगामी पत्रों की रचना की। इसके अलावा यहाँ हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स प्रश्नावली के जो प्रकार हैं, क्या स्टूडेंट्स प्रश्नावली के प्रकार, यानी प्रश्नावली जो है कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको प्रश्नावली वाला जो टॉपिक पढ़ाया था स्टूडेंट्स उसके अंदर बताया कि मैंने प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, प्रश्नावली 8 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है 8 प्रकार की। पहली आती है तथ्य संबंधी, इस तथ्य संबंधी में व्यक्ति की जो सामाजिक आर्थिक दशाएं होती है, क्या होती है, व्यक्ति सामाजिक आर्थिक दशाएं जो होती है उन दशाओं का अध्ययन जो है तथ्य संबंधी प्रश्नावली के अंतर्गत किया जाता है, जैसे व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, परिवार इत्यादि के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो कौन सी प्रश्नावली के अंतर्गत आती है स्टूडेंट्स, तथ्य संबंधी प्रश्नावली के अंतर्गत आती है। इसके अलावा शिक्षा और व्यवसाय को भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, किसको, शिक्षा और व्यवसाय को भी इसके अंदर जोड़ा जा सकता है। ये कौन सी प्रश्नावली हुई, तथ्य संबंधी।
संरचित प्रश्नावली जो है कौन सी होती है स्टूडेंट्स? संरचित प्रश्नावली वह होती है जिसके अंतर्गत प्रश्नों की जो रचना है या प्रश्नों का जो क्रम है और रचना जो है वो पहले ही कर दी जाती है और उस क्रम को बदलने की छूट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्रम बदलने की छूट जो है वो व्यक्ति को नहीं होती है। ऐसा ही है असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में क्या होता है? क्रम रचना यानी प्रश्नों की क्रम की जो है छूट होती है। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी प्रश्नावली जो संरचना है पहले ही करके रख चुके हैं और उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जो विषय से संबंधित प्रसंग होते हैं उन प्रसंगों को पहले से ही लिख कर रख लिया जाता है और फिर बाद में उससे संबंधित जो है प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। ऐसा ही है बंद को सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी प्रश्नावली सीमित या फिर प्रतिबंधित कौन से स्टूडेंट्स? सीमित या प्रतिबंधित। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में क्या दिए जाते हैं? ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे हाँ या नहीं वाला ऑप्शन होगा। ये बंद हो गई कि आपको जो प्रश्न का उत्तर देना है वो इस जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में से ही किसी को निकाल कर देना है। या फिर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके अध्यापकों के साथ कैसे संबंध है, अच्छे बुरे या फिर मधुर कह सकते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। उन ऑप्शंस में से भी क्या किया जाता है? आंसर को चुनकर इसके अंदर लिखा जाता है। ऐसा ही है खुली को जैसे बंद को क्या बोला जाता है स्टूडेंट? सीमित या प्रतिबंधित बोला जाता है। वैसे ही खुली को क्या बोलिए पर असीमित या फिर अप्रतिबंधित कौन सी बोलिए स्टूडेंट? असीमित या अप्रतिबंधित। अब बंद में क्या किया है? प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसके ऑप्शन के रूप में आंसर दिए गए हैं और उन आंसर में से ही एक आंसर को जो है छान कर लिखना है। खुली में ऐसा नहीं है। खुली में जो उत्तर देगा उत्तर देगा उसे अपना उत्तर देने की क्या होती है? छूट होती है। जैसे आतंकवाद के क्या कारण है? अब आतंकवाद के कारणों को आप ऑप्शन के रूप में नहीं दे सकते, इसीलिए क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा? खुले बिल्कुल खुले रूप में आप उसका आंसर लिखेंगे। तो इसीलिए इस प्रश्नावली को कौन सी प्रश्नावली के अंतर्गत रखा जाता है? खुली या फिर और है चित्र में। चित्र के आधार पर यदि प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नावली को में तो उसे कहा जाता है चित्र में प्रश्नावली। जैसे आपके परिवार का आकार, तो इससे आप चित्रों को दो या फिर परिवार का आकार जो है इस रूप में चित्रों के माध्यम से जो है बताया जा रहा है। तो ये कौन सी हुई? चित्र में प्रश्नावली हुई। अंत में जो प्रश्नावली आती है स्टूडेंट्स वो आती है मिश्रित। मिश्रित नाम से पता चल रहा है ऊपर जितनी भी प्रश्नावलियों का अगर अध्ययन किया तथ्य मतलब अनुभूति संरचित असंरचित बंद खुली चित्र में प्रश्नावली के अंतर्गत इन सभी प्रश्नावलियों क्या होगा? क्या होता है? मिश्रण होता है। और इन सभी से संबंधित यानी सभी प्रकार के प्रश्न जो है वो इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो वर्तमान में जितने भी अध्ययन रिसर्च या अनुसंधान जो हुए हैं
बाहरी पक्ष जो होता है, उस बाहरी पक्ष की या फिर भौतिक पक्ष की रचना करते समय जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी प्रश्नावली की जो भौतिक पक्ष है यानी उसकी रचना करके बाहरी रूप में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसका भौतिक पक्ष, उसकी रचना करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आकार, आकार जो है 8x12 या फिर 9x11। कभी कभी प्रश्न पूछे जाता है कि छोटे क्वेश्चन में प्रश्नावली का आकार कितना होना चाहिए, 8x12 या फिर 9x11। कागज मोटा चिपकी वाला नहीं होना चाहिए, छपाई अच्छे से होनी चाहिए, प्रश्नावली की जो लंबाई है वो सही तरीके से की जानी चाहिए। इस भौतिक पक्ष के साथ साथ एक आता है प्रश्नावली की पूर्व जांच, या फिर कहा जाता है प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण, क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व परीक्षण क्या है, पूर्व परीक्षण क्या है, पूर्वगामी परीक्षण क्या है, पूर्व परीक्षण क्या है, ये सारी एक ही चीजें स्टूडेंट्स। तो पूर्व परीक्षण जो होता है वो क्या होता है, हम प्रश्नावली को बड़े क्षेत्र में लागू करने से पहले प्रश्नावली को एक छोटे से क्षेत्र पर लागू करके देखा जाता है। कैसे क्षेत्र पर, छोटे क्षेत्र पर लागू करके देखा जाता है और ये देखा जाता है कि हमने जिस प्रश्नावली को छोटे क्षेत्र पर लागू किया है और यदि प्रश्नावली उस छोटे क्षेत्र के अंतर्गत लौट कर आ गई है हमारे पास, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उस प्रश्नावली को भर कर जो है कितने लोगों ने भेजा है, ये सब देखकर छोटे क्षेत्र में लागू कर इन चीजों की जांच की जाती है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमने जिस प्रश्नावली का निर्माण किया है वास्तव में वो प्रश्नावली सही है या नहीं है, ये सोचकर उसे छोटे क्षेत्र में लागू किया जाता है या फिर उसका पूर्व परीक्षण किया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रश्नावली कितनी संख्या में हमारे पास लौट के आई है। यदि कम संख्या में आती है इसका मतलब आपकी जो प्रश्नावली है उसमें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई गलतियाँ अवश्य है, और यदि जितनी प्रश्नावली निजी है तो वो सारी वापस लौट कर आ जाती है। इसकी मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पूर्व परीक्षण है वो सक्सेस हुआ है, अब हम इस प्रश्नावली को जो है बड़े क्षेत्र पर लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गलतियाँ ना हो या प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए हमारे द्वारा जो बनाए गए प्रश्नावली, अगर उसमें कोई गलती ना हो, इसी वजह से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, प्रश्नावली का पूर्ण परीक्षण किया जाता है या फिर क्या किया जाता है उसको छोटे क्षेत्र पे लागू किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमें जो अधिकाधिक प्रत्युत्तर यानी अंतिम उत्तरदाताओं के द्वारा प्रश्नावली को अधिकाधिक उत्तर भेजने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है, यानी जो निरंतर प्रकृति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने उत्तरदाता के पास प्रश्नावली भेजती है वो वापस भरकर लौटाते ही नहीं, अनुगामी पत्र भेजने के बाद भी या फिर बहुत सारी जो प्रश्नावलियाँ होती है उनको भेजने के बाद भी वो वापस नहीं लौटाते। तो इस निरंतर प्रकृति से बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किया जाता है।